जाइए ना ऊपर, हेल्प कीजिए बोल रहे। हेलो। तो गाइस ये देखिए पूरा लोडिंग हो गया है सामान, और भैया लोगों ने बहुत अच्छे से पैक किया है, तो बारिश आने से भी कोई टेंशन नहीं की भीगने की। लेमिनेशन किया गया है पूरा सामान, गद्दी वद्दी सब कुछ। तो भैया थैंक यू, बहुत अच्छा सर्विस है आप लोगों का। तो चलिए क्या ही बताओ गाइस, ये देखो हमारे घर का हालात, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर, क्योंकि यही होता है हर 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद न्यू पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाता है, तो न्यू जगह पे जाके हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बढ़िया बिस्तर बांधो और मतलब उसे क्या करूँ, अभी पैकिंग वेकिंग हो रहा है तो इमोशनल नहीं होना है हमें। एक ये भी अच्छा लगता है ना कभी कभार कि न्यू जगह पे जा रही, वहाँ पे जाके न्यू लोगों से मिलूंगी, उनका आज सब कुछ जान पाऊंगी, देखूँ पाऊंगी, ये भी एक भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी हो गया है, तो देने के लिए जा रही हूँ ब्रेड बटर के साथ सेक के। की कोड़ी ऐसा भूख लगी से नहीं, ब्रेड बटर खाली। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और ये ब्लॉग अभी मैं डालूँ इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जैसा जो पोस्टिंग ऐसे जाते या ट्रांसफर लेके या अपना सामान कहीं और शिफ्ट करना होता है, तो बहुत अच्छा है इसके लिए जेड कार्गोस काफ़ी अच्छे से पैकिंग वगैरह करते, तो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगी कैसे पैकिंग करते। तो अभी मैट्रेस हमारा पैकिंग बाकी है, तो मैं फ़िलहाल आपको एक चीज़ दिखा देती है। मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसका जो ना कार्टून वगैरह मतलब थर्मोकोल वगैरह वो नहीं है, तो इसके लिए उसका जो बेस है ना वो अच्छे से बना के दिया है कार्टून से, तो शायद थी आप लोगों को थोड़ा सा मदद हो जाए मेरी इस वीडियो से। हाँ बोलो बोलो। नहीं आपको दिखा रहे ना कितने अच्छे से पैकिंग वगैरह हुआ है, तो बढ़िया पैकिंग किया आपने। मुझे पहले ही पता होता तो मैं कुछ भी नहीं करती, आप लोगों के ऊपर छोड़ देता। क्यों अच्छे से पैकिंग कर रही है, देखो ये है पैकर्स एंड मूवर्स। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के बस पैकिंग वगैरह आराम से कर देंगे भैया लोग अच्छे से, और बहुत ही अच्छा काम है। मैंने पहले भी किया है, मतलब इन लोगों से ही पैकिंग वगैरह कर लिया, तो बहुत ही अच्छे से किया है। तो भैया आप भी बोलो कुछ। थैंक यू मैम, ये बढ़िया काम करे तो पैकर्स एंड मूवर्स गांधीनगर से जी, जो यहाँ से बनारस में नजर है गुजरात के, दिनेश चौधरी। ओके हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फिलहाल हुआ नहीं है, तो जब हो जाएगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखा दूंगी। तो कहते हैं देखिए इसमें जितना भी छोटा मोटा सामान है ना जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और भैया लोगों ने खुद वो पूछ पूछ के वो लोग कर देते हैं कि ये चाहिए कि नहीं, वो चाहिए कि नहीं, सब कुछ। तो इस तरह से उन लोगों ने पैकिंग वगैरह भी देखी कितने अच्छे से हर एक चीज़ लेमिनेशन करे, क्योंकि ये जो कार्टून है ना ये तो बारिश आएंगे थोड़ा सा भी पानी लगेगा तो भीग जाते हैं, तो पूरा सामान खराब होने की हो सकता है, तो इसीलिए इस तरह से लेमिनेशन किया जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से किया है, तो गाइस इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए किसी ये लोग पैकिंग करते हैं, अपना सामान सेफ रहेगा कि नहीं बहुत टेंशन होती है। तो ये देखिए, तो गाइस ये देखिए अभी हमारा फ्रिज का हो रहा है पैकिंग। तो इस तरह से हमने सब कुछ अच्छे से पैकर्स एंड मूवर्स या जेट कार्गो के थ्रू से सामान पैक करवा लिया है अच्छे से, और ऐसे ही बहुतों का दिक्कत होता है कि किससे करूँ कैसे करूँ, अपने पास भी इतना टाइम नहीं होता है, तो हर एक सामान उन लोगों को दिखा दो बस वो लोग खुद से पैकिंग कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से आराम से आपका सामान पहुँच जाएगा सेफली। तो कैसे ये देखिए मैट्रिस को भी इस तरह से पैकिंग कर दिया है। तो गाइस अभी पैक हो रहा है हमारा स्कूटी, तो ये देखो जो मतलब फेंकने वाला तकिया है वो यूज़ किया जा रहा है उसमें, ताकि स्कूटी सेफली पहुंच जाए टूटे फूटे ना, और पैकिंग भी अच्छे से हो रहा है ये देखिए गाइस, और सामान पूरा नीचे चला गया है पैकिंग वैकिंग होके, और कुछ कुछ बाकी है अभी लोडिंग करना बाकी है। तो
यहाँ पे स्कूटी का पैकिंग हो रहा है, ये देखिए। तो जब तक स्कूटी का पैकिंग होता है तब तक मैं आपको पूरा सामान दिखा देती हूँ। मेरा ये पूरा सामान यहाँ पे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन और मैट्रेस और बक्से वगैरह है, और साइकिल पैकिंग होना अभी बाकी है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ये है जेट कार्गोस पैकर्स एंड मूवर्स। तो इसमें उनका डिटेल्स दिया गया है, अगर आपको जरूरत है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए पूरा आराम से कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ जरूर, ठीक है। अभी उन लोगों को फिर से चाय पीना है क्योंकि काफी थक चुका है, बहुत ही काम है, मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं ये लोग। और मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तब तक आप लोगों को दिखाते जाती हूँ। ये है मेरा पूरा सामान, नीचे आ चुका है। यहाँ पे है बॉक्स वगैरह, टीवी और ये सब, मतलब बेड है, सब कुछ है। और आपको एक चीज दिखा रही है, जो नंबरिंग दिख रहे हैं ना स्कूटी पे, तो ये है अपना एक कोड दिया जाता है किसका सामान है, कहा जाएगा, तो इससे ही सब कुछ पता चलता है। तो और कितना सामान है इसके लिए भी नंबरिंग किया जाता है, आपके कितना सामान जाएगा मतलब, तो सब कुछ। और ये देखिए स्कूटी को भी इस तरह से लेमिनेशन किया गया है। हाँ जाइए ना ऊपर, हेल्प कीजिए बोल रहे। तो गैस ये देखिए पूरा लोडिंग हो गया है सामान, और भैया लोगों ने बहुत अच्छे से पैक किया है। तो बारिश आने से भी कोई टेंशन नहीं कि भीगने की, लेमिनेशन किया गया है पूरा सामान, गद्दी वद्दी सब कुछ। तो भैया थैंक यू, बहुत अच्छा सर्विस है आप लोगों का। तो गैस यहाँ पे 10 दिन के बाद, 10 दिन लगा सामान आने में, लेकिन तो 10 दिन के बाद मेरा सामान आ चुका है। ये देखिए सेफली पहुंच गया है सब कुछ सामान, कोई टूटा फूटा नहीं है। टीवी भी अच्छे से पहुंच गया है, हमें अच्छे से मिल गया है। तो अभी करते से फिर आपको दिखाती हूँ घर का सेट करके पूरा सामान, हम लोगों के साथ ज़रूर। और एक ब्लॉग डालूँगी घर को अच्छे से सजाने के बाद, मैंने बोला था इसके बाद ज़रूर आएगा वो ब्लॉग, तो देखते रहिएगा। और इस तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।